जी अस्सलाम वालेकुम। लोग अक्सर जो है कहते हैं कि ये आप क्या कहते रहते हैं हाउ टू फिश फॉर लाइफ, इसका मतलब क्या है, फिश क्या करनी, मतलब मुझे तो फिश पसंद ही नहीं है, ये एलर्जी है, ये एक पूरे ये असल में एक्चुअल फिश नहीं है जो आप खाना खाना चाहते हैं। असल में क्या है कि जब आप खाना खाते हैं और आपको अच्छा लगता है, माँ जो आप रोज पकाती है, महीने बाद जब वो एक दिन इतनी ज्यादा डाल गई या कच्चा रह गया तो आप कहते हैं माँ ये मैंने नहीं खाना था, फेंक देते हो, क्या करना, और फिर आप उसी माँ से फिर मिनते करते हो काम करने के लिए, क्योंकि आप यू आर डिपेंडिंग ऑन दैट पर्सन टू एक्चुअली गिव यू फूड एवरी डे। ओके, फूड जो भी किसी से आपको चीज मांगते हैं यू आर आस्किंग फॉर अ फिश। ओके, फिश आप एक टाइम मांगोगे, आप एक टाइम खा के अगले टाइम पे फिर जब भूख लगेगी, नॉलेज की हो, कुछ भी चीज की, फिर आप मांगोगे उससे दोबारा। हाउ टू फिश फॉर लाइफ का मतलब ये होता है कि आपने ये सीखना है कि ये जो आप मुझे चीज दे, ये आपके पास जो चीज है, जो खाना बनाने रेसिपी है, या आपने पीएचडी करनी है, या आपने जॉब ली है, वो मुझे सिखा दो कि ये वाला काम करते कैसे हैं, सो यू कैन बी अ वेरी इन्फॉर्म्ड लर्न पर्सन। ओके, इसको स्लैंग को इसलिए कहते हैं हाउ टू फिश फॉर लाइफ। और इसके लिए मुझे तो ये पता है, इतना सा पता है, इससे आगे जो है मेरे जो गेस्ट हैं नबील तिरमजी साहब, माशाल्लाह हर दफा बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इनके इतने पॉपुलर हैं, यूनिक, हर शो पे नया टॉपिक, ये इसके लिए बहुत क्रिएटिव माइंड चाहिए, तो हमें भी इससे फायदा होता है कि हम भी सोचना शुरू कर देते हैं, वो हमें हेल्प करेंगे आप सबको समझने के लिए कि हाउ टू फिश फॉर लाइफ इज व्हाई इज इंपॉर्टेंट। यू नो व्हाई आई वांट यू टू नो दिस, क्योंकि ये ग्लोबल सोशल एंटरप्रेन्योरशिप फाउंडेशन जो है उनका मैं फाउंडर हूँ, और उसमें हमारे माशाल्लाह 180,000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं इंशाल्लाह एंड काउंटिंग, और वी आर ऑन द मिशन टू एम्पावर 1 मिलियन ग्लोबल सोशल एंटरप्रेन्योर्स एंड वी टीच देम हाउ टू फिश फॉर लाइफ। हमें से यही पूछते हैं जी ये फिश क्या है, जी ये क्या है। मैंने कहा आज मैं अपने गेस्ट से ये पूछता हूँ जी हमें हेल्प करें समझने में, मुझे भी क्लैरिटी आ जाएगी और आपको बताएंगे और व्हाई इज इंपॉर्टेंट एंड प्लस गिव अस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड मोर विद एब्सोल्युटली 100% क्लैरिटी, ताकि इसके बाद कोई बंदा मुझे सवाल ना पूछे कि फिश फॉर लाइफ, अगर किसी ने ये सवाल पूछा तो इसका मतलब कि नबील तिरमजी साहब ने उसे तक एक्सप्लेन नहीं किया। मैं तो यही कहूंगा ये वाली वीडियो जिसने सवाल पूछा सब कुछ आएगी। अच्छा ये जो टॉपिक है इसमें जो है वो मुझे याद आया कि हम जब स्टार्ट करते हैं कि जापानीज एक मुहावरा है कि अगर आप किसी को मछली खिला देंगे ठीक है एक दिन तो वो जो है वो आप उसको जो है वो एक दिन तो उसका पेट भर देंगे उसका, लेकिन अगर आप उसको मछली पकड़ना सिखा देंगे तो वो सारी जिंदगी के लिए जो है वो अपनी खुराक का जो है वो बंदोबस्त जो है वो कर लेगा। हमारे यहाँ पर जो है वो अक्सर लोगों के साथ जो है वो जो डिलेमा होता है कि हम लोग जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमें जो है वो ये टेंशन होती है कि यार कोई हमें जो है ये काम कर दे, कोई रिसोर्स हमें जो है वो मिल जाए, कोई रिसोर्स पर्सन हमें मिल जाए कि जो कि जो है वो हमारी किसी काम में जो है वो मदद कर सके। लर्निंग ऑन द अदर हैंड उस काम की जो निटी ग्रिटी है, उस काम के हवाले से जो है वो क्या उसके जो एस्पेक्ट्स है, उसकी जो डिटेल्स हैं, उसके ऊपर हम यूजली जो है वो नहीं जाते क्योंकि उसकी वजह जो है वो ये है कि हम सीखना जो है वो नहीं चाहते। तो ये एक जो है वो जिस तरह टॉपिक जो है वो कह रहा है कि हाउ टू फिश फॉर लाइफ, कि अगर आप जो है वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आपका ताल्लुक जो है वो किसी भी प्रोफेशन से है, अगर आप जो है वो अकाउंटेंट हैं, अगर आप जो है वो वेब डेवलपर हैं, अगर आप जो है टीवी प्रोड्यूसर हैं, व्हाटएवर यू आर, ठीक है, आपको अपने काम के हर एस्पेक्ट का जब तक पता नहीं होगा थोड़ा थोड़ा, उस वक्त तक आप आगे जा नहीं सकते। बहुत सारे लोग जो है वो मेरे अपने इंटायर प्रोफेशन के अंदर ये बहुत सारा जो है मैंने देखा, यार ये मेरा काम नहीं, ठीक है यार ये मैं काम क्यों सीखूं, ठीक है ये काम बहुत ज्यादा बोरिंग है, या इस काम में मुझे बहुत ज्यादा जो है वो गलतियां मेरे से होती हैं इसलिए मैं नहीं सीखता, ठीक है या इस काम का मुझे क्या फायदा, ठीक है। मैनुअल डेक्सट्रिटी, ये बेसिकली ये एक चीज ये होती है कि आपने जो काम करना है आपने खुद करना है। आप अगर मिसाल के तौर पे आप मैनेजर हैं या आप किसी भी पोस्ट पे हैं, आपके नीचे कुछ 4 सबॉर्डिनेट्स हैं, आपने ये देखना है कि जो आप काम कर रहे हैं उस काम की ड्राइविंग सीट क्या आपके हाथ में है या आपको कोई चला रहा है। आप अगर जो है अपने काम के हवाले से नहीं जानते, आप अगर किसी दौर में सीईओ भी बन जाए, आप मैनेजिंग डायरेक्टर भी लग जाए, लेकिन अगर आपके काम के हवाले से आपको निटिग्रिटी नहीं पता तो फिर लोग आपको चला रहे होंगे, आप काम को जो है वो नहीं चला रहे होंगे। सो दैट इज वाई ये जो हमारा जो टॉपिक है हाउ टू फिश फॉर लाइफ,
जब भी आप कोई काम जो है वो करें उसको इतनी डिटेल से उसको सीखने की जो है वो कोशिश करें। हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो चार जो है वो चीजें होती हैं जो कि जो डिलेमास होते हैं जिसके ऊपर जो है वो हम लोग अक्सर जो है वो एनकाउंटर करते हैं। सबसे पहला जो है वो हमारे जो सबसे पहला जो एक्सक्यूज होता है किसी भी नई चीज को सीखने के हवाले से, स्पेशली अपनी जॉब के हवाले से। अच्छा, इसके हवाले से भी जो है मैं एक बात बताऊं कि बहुत सारे लोगों का जो है वो ये प्रॉब्लम होता है, वो ये कहते हैं जनाब की जी चूंकि ये मेरी डोमेन में नहीं आता इसलिए मुझे इसके अंदर सीखने का कोई फायदा नहीं है। एक चीज याद रखिएगा कि जितने ज्यादा टूल्स आपके टूल सेट के अंदर होंगे उतने ज्यादा जो है वो आप अच्छे और एफिशिएंट तरीके से कामयाब हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल देता हूं, मैं इस वक्त ब्रॉडकास्टर्स की मेंटोरिंग करता हूं यहां पर मलेशिया के अंदर, राइट। और यहां पर इस चीज को पाने से पहले पूरे एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर जो है जितने ब्रॉडकास्टर्स हैं रेडियो के, टीवी के और न्यू मीडिया के हवाले से, उन लोगों की जो है वो मेंटोरिंग जो है मैं करता हूं। अब मेरा अगर आप पर्सनल प्रोफाइल अगर आप मेरा जो है वो जानना चाहें तो मेरा जो कैरियर का जो मेरा आगाज हुआ वो आईटी स्पेशलिस्ट के तौर पे हुआ, ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे हुआ, फिर वेब डेवलपर के तौर पे हुआ, ठीक है। मेरी डिग्री जो है वो उसके अंदर थी। फिर उसके बाद मैंने अपना कैरियर मैंने शिफ्ट किया और मैं आ गया टीवी प्रोडक्शन की तरफ। टीवी प्रोडक्शन में मैंने जो है स्क्रिप्टिंग भी की, मैंने सेटेलाइटिंग भी की, सेटेलाइटिंग के बाद मैंने जो है टीवी प्रोडक्शन, डॉक्यूमेंट्री, फिल्म मेकिंग, ड्रामास वगैरह ये सारे जो है वो किए। फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स कर लिया एमबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मार्केटिंग के स्पेशलाइजेशन के साथ, ठीक है। अब आप ये कहेंगे और इसके अलावा मैंने साइकोलॉजी के हवाले से मैंने कुछ सर्टिफिकेशन भी की। अब आप ये कहेंगे जनाब जी कि इतना सारा काम करने की जरूरत क्या, ठीक है। पहली चीज तो ये थी कि जो जो चीजें मैं करता रहा वो साथ के साथ वो थी जो मैं वर्किंग लर्निंग बाय वर्किंग के तौर पे जो है वो कर रहा था। जो जो जिस तरीके से मुझे जहां पर एक्सेल करने का जो मुझे मौका मिल रहा था, मैंने देखा कि यहां पर एक लूप होल करियर में हो सकता है, उसको साथ ही जो है वो उसको फेच कर लो। सो मैंने वो डिग्री अटेन कर ली या सर्टिफिकेशन अटेन कर ली, जबकि मेरे साथ के जो लोग थे वो आज भी जो है वो यही कहते हैं, ओ यार ये हमारा काम नहीं था यार, तूने अपना काम बहुत ज्यादा फैला लिया, ये है टाइम जाया कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और आज आईटी की फील्ड छोड़े हुए मुझे जो है वो तकरीबन 15 साल जो है वो हो गए, ठीक है। लेकिन आज मुझे उसी डिग्री की वजह से, उसी जो काम की जो ऊपर जो मैंने मेहनत की हुई थी उसकी वजह से जो है मुझे आज जो है वो ब्रॉड आईटी इंडस्ट्री आईसीटी की जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो इंटीग्रेशन है मीडिया ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से उसके ऊपर मुझे पढ़ाना पड़ता है और इसके बंदे जो है बहुत ज्यादा काम। सो कहने का मकसद ये है कि जितने भी टूल्स आपके टूल सेट के अंदर जो है वो होंगे उतना ज्यादा आपका कैरियर जो है वो आगे फ्लरिश जो है वो करेगा। लोग यहीं पर जो है सबसे बड़ी जो है वो मार खाते हैं कि यार बस ठीक है एमए कर लिया ना, बस काफी मजीद पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत पढ़ ली, ठीक है। वो फिर होता गया कि 40-50 साल वो तो खैर ज्यादा हो गया, 35-40 साल नौकरी की और बाद में रिटायरमेंट के वक्त पूछा यार सारी जिंदगी गुजर गई पता ही नहीं, ठीक है। पता इसलिए नहीं किया, लगा कि आपने सिर्फ 9-to-5 जॉब किया, आपने एक्सेल नहीं किया। जितनी भी आपने जो है वो तरक्की आपने हासिल की, ऐसे साहिबान उन्होंने तरक्की हासिल सिर्फ साल बदलने के साथ जो है प्रमोशन जो होती है बस उसी के ऊपर तरक्की की, इसके अलावा और उन्होंने जो है वो कुछ नहीं किया। अच्छा, अब बात करते हैं उन डिलेमास की जो कि मैं जो है बात कर रहा था कि हम सीखने से जो है डरते क्यों। सबसे पहला जो हमारा जो डिलेमा होता है कि जनाब हम ये कहते हैं कि यार मुझे ये सीखने की चीज जरूरत नहीं है, ठीक है, ये मेरी किसी काम की नहीं है। यही चीज अगर आप अपने आप से ये सवाल करें कि यार ये जो चीज है ये फ्यूचर के अंदर मुस्तकबिल में मुझे ये चीज जो है वो कहीं फायदा दे सकती है, अगर तो दे सकती है, अपना विजन अगर आप सिर्फ ब्रॉड करें आप। इसके अंदर मैंने आपको पिछले अपने जो सेशंस थे उसके अंदर भी मैंने आपको कहा था कि आप किसी भी प्रोफेशन से आप मुतल्लिक ये लाजमी आप देखें, क्योंकि इंटरनेट की वजह से सारी दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज जो है वो बन चुकी हुई है। आपको अपनी फील्ड के मोस्ट इंस्पायरिंग जो पर्सनैलिटीज हैं उनका आपको पता लगता है, उनका जो है वो उनकी आदत व्यवहार, उनके सोशल मीडिया के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें जो है पता लगती है। उनको देखें कि वो कहां पर जो है वो आज खड़े हुए और क्या आप अपने आप को इनविजन करते हैं अगले 10 साल में, अगले 15 साल में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ये देखें कि कोई भी चीज जब आपके पास आती है कि यार इस चीज की मुझे जरूरत है या नहीं है, इसको जो है वो डिस्पाइट कि यार मुझे ये चीज फौरी तौर पर रिजेक्ट कर दी कि यार मुझे इस चीज को सीखने की जरूरत नहीं है, बजाय इसके आप ये अपने आप से पूछें कि यार फ्यूचर में मुझे कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती, थोड़ा सा भी शायब आओ सीखने में उसको आर ना समझेगा। अगली चीज चलते हैं, अगली चीज जो है वो ये है कि यार मैं जिस तरह से हूं ना मैं उसके अंदर बहुत ज्यादा खुश हूं, जो चीज है ना वो मैं उसके अंदर जो है वो आई एम फाइन विद दिस,
और मुझे जो है वो एक्सेल करने की जरूरत नहीं, खुद ही तरक्की होती जाएगी, इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है, जब इकोनॉमी सही होगी तो यार सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इसकी बजाय आप अपने आप से ये पूछ सकते हैं कि क्या वाकई मैं सही हूं, क्या वाकई मैं सेटिस्फाइड हूं, क्या वाकई जो है वो मुझे, मैं मुतमिन हूं अपने कैरियर से, अपनी लाइफ से, बजाय इसके या जो मेरे साथ के जो लोग हैं वो मेरे से आगे हैं या वो मेरे से पीछे हैं, ठीक है। और पीछे के लोगों को देखने की बजाय आगे के लोगों को देखें कि वो आगे क्यों हैं, उनके आगे आने की वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं उनकी नॉलेज स्किल्स में आपसे बढ़तरी होगी, ठीक है। तो सीखना बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। तीसरी जो है वो जो हम एक्सक्यूज अक्सर जो है वो करते हैं अपने उसके अंदर, वो ये होता है कि यार बहुत ज्यादा बोरिंग चीज है यार, कौन करे यार, 2 साल का कोर्स है यार, कौन करे, ठीक है। रिसेंटली अगर आप देखें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम पिछले 10 सालों में बड़ा फ्लरिश किया पाकिस्तान में, लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग जो है वो कोर्सेज बहुत ज्यादा आगे हैं, इसके अलावा इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे जो है वो लर्निंग कोर्सेज जो है वो आ चुके हैं, बहुत बेशुमार वेबसाइट्स हैं जहां पर ऑनलाइन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग की सर्टिफिकेशन होती है। अब लोग यह कहते हैं जी बोरिंग बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है और इतना ज्यादा कौन जो है वो करे, उसकी बजाय सिर्फ अगर आप अपने आप से ये सवाल पूछें कि यार अगर ये इतना ही बोरिंग है तो जिन लोगों ने इस फील्ड में तरक्की की है वो किस तरह से करें, वो क्यों कर गए, उनको इसमें क्या ऐसे इंटरेस्टिंग लगा कि जिसकी वजह से जो है वो ये जो है उन्होंने अचीव किया। चौथा जो है जो बहुत ज्यादा जो है वो लोग जिससे जो है वो घबराते हैं और वो ये है कि यार ये काम अगर मैं करूंगा ना तो इसमें गलतियों का चांस बहुत ज्यादा है, मैं इस फील्ड में नाकाम हो जाऊंगा, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा, ठीक है, और जो है वो ऐसा काम करने की फायदा क्या जिसके अंदर मुझे जो है वो लूजर शुमार किया। तो एक चीज याद रखिए कि जब कभी जब हम बच्चे थे तो उस वक्त हम खड़ा होने के लिए या चलने के लिए हम बार बार गिरते थे, ठीक है, हम बार बार जो है वो उठते थे, थोड़ा सा चलते थे और उसके बाद फिर गिर जाते थे। क्या आपने उस दौर में कभी जो है चलना छोड़ा, आपने खड़ा होने की कोशिश आपने तुर्क की नहीं की, आज इसलिए आप चल रहे हैं। जो काम भी आप स्टार्ट करते हैं उसके अंदर जो है वो आपको, आपसे गलतियां होती हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप जब गलती करते हैं तो उस गलती से जो है वो आप कुछ सीखते हैं या वही गलती आप बार बार दोहराते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट चीज है, तो सीखने में इसलिए और कभी ना समझिएगा। और जिस तरह मैं हर दफा जो है कहता हूं, मैं इस चीज का बहुत ज्यादा बहुत बड़ा एडवोकेट जो है मैं अपने आप को कहता हूं कि किताब दोस्ती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आप अपनी जिस भी फील्ड से मुतल्लिक हैं उस फील्ड से मुतल्लिक किताब जरूर पढ़े, जरूरी नहीं कि टेक्निकल। अच्छा, इसके ऊपर भी थोड़ी सी जो है वो बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का पिछली दफा एक सवाल जो है वो आया था कि यार किताब हमें कौन सी पढ़नी चाहिए। इसके ऊपर आज से तकरीबन 10-12 साल पहले मैंने एक हम प्रोग्राम जो है वो करते थे चमकते तारे, जिसमें हम बहुत सारे जो कामयाब लोग थे मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ के, उन लोगों को हम बुलाते थे और उनका हम लोग जो है वो साइको एनालिसिस करते थे। उसको थोड़ा सा उसके अंदर कल साइंसेस का थोड़ा सा जरा जो है वो थड़का होता था, लेकिन उसको हम साइकोलॉजिकल बुनियादों पर हम उसका साइको एनालिसिस करते थे कि कोई बंदा किसी भी फील्ड में किस तरह कामयाब होता है। उनमें से बहुत सारे लोगों की जो है एक बहुत ज्यादा कॉमन ट्रेट था और वो कामयाब लोगों की, और वो था कि वो किताब दोस्त। अब सवाल ये पैदा होता है जी किताब दोस्ती जो है वो कैसे की जाए और कौन सी किताब जो है वो पढ़े, ठीक है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू फिश फॉर लाइफ, ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो जो है चीज है कि जमाना तो आपको सिखाएगा, ठीक है, आप वक्त के साथ साथ आप सीखेंगे भी, लेकिन किताब एक ऐसी चीज है जो कि आपको कम वक्त के अंदर आपको पूरा एक जो है वो एक्सपीरियंस आपको जो है वो दे जाती है। 4 चीजें बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप ये करें, इन चीजों को अगर आप फॉलो करें तो आप जो है वो आपके इल्म में जो है वो इजाफा होता है। पहली चीज, आप जिस भी मजहब से हैं, आप जिस भी फिका से हैं, आप जिस भी आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, ठीक है, उसकी जो आपकी जो 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 उसका जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, जिस तरह मुसलमान है तो उनका टेक्स्ट बुक जो है वो पुराने पाक है, अगर क्रिश्चियन है तो उनका टेक्स्ट बुक जो है वो उनका बाइबल है उनका, ठीक है। जो भी आपका जो शुरुआत है, आप किसी भी पॉइंट पे आप किताब दोस्त जो है वो आप बनना चाह रहे हैं और आप उस चीज को अटेन करना चाह रहे हैं आप, ठीक है, सबसे पहले जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक फॉर लाइफ, उसको जो है आप पढ़ें, समझ के पढ़ें, ठीक है। एक दफा आपने उसको समझ के जो है पढ़ लिया तो आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आपको आइडिया हो गया कि यार ये मेरी वैल्यूज हैं। इन्हीं वैल्यूज के ऊपर हम आगे चल के जो है वो अगले सेशन के अंदर हम डिसीजन मेकिंग के ऊपर हम बात करेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा जो है वो टच जो है मैं देता चलूं कि डिसीजन मेकिंग में 50% हम दिन में 20,000 के करीब डिसीजन लेते हैं एक आम आदमी,
ठीक है। अच्छा 20,000 डिसीजन अपना जो डिसीजन लेते हैं जो कि बहुत सारे सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर होते हैं आपकी मॉरल वैल्यूज के ऊपर, और मॉरल वैल्यूज जो है वो यहीं से सेट होती हैं जो कि आपकी कोड ऑफ लाइफ जो है वो होती है। अच्छा इसके बाद जो है वो हम आते हैं दूसरे नंबर पे, जब आपने ये टेक्स्ट बुक के ऊपर आपने जो है वो कर लिया आपके जो लाइफ की टेक्स्ट बुक है, अगला जो है वो चीज है कोड ऑफ कंडक्ट। आप अगेन किसी भी फिका से मुतल्लिक हैं, किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, किसी भी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, उससे मुतल्लिक जो लाइफस्टाइल से मुतल्लिक जो जिस तरह हमारे यहाँ यहाँ पर हदीस है, ठीक है, हमारे यहाँ पर फिका पढ़ाई जाती है, ठीक है, और हमारे यहाँ पर और बहुत सारे जो है वो मुख्तलिफ मजाहिब के अंदर के जिंदगी गुजारनी कैसे, ठीक है, वो जो है टेस्टिमनी जो है वो कितनी जो है वो टेस्टिमेंट सॉरी वो जो है वो क्या है, वो जब आप जो है वो देखेंगे कि उसके ऊपर आपके बुजुर्गों ने, उसके ऊपर आपके स्कॉलर्स ने, जिस भी आप डिस्पाइट आप किसी भी आप जो है वो कम्युनिटी से आप बिलोंग करते उन्होंने क्या लिखा है, ठीक है, जब आप ये करेंगे तो उस वक्त जो है वो ये चीज आपको आगे बढ़ने में आपको मदद देगी कि यार मैंने जो है ये जो जिंदगी के जो छोटे छोटे जो ये जो चीजें हैं बेसिक चीजें हैं उनको जो है वो मैंने उसके अंदर मुझे उसके ऊपर मुझे टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है कि यार ये क्या है वो क्या है फलाना, वो ऑलरेडी जो है वो लिखा जा चुका है और आपने आगे उसके अंदर इवॉल्व होना बजाय इसके कि आप रीड मेंट द व्हील आप करते रहे मामला। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपने जिंदगी की टेक्स्ट बुक पढ़ ली, आपने जिंदगी के कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स आपने जो है वो पढ़ लिया, आपने तीसरी जो है चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है कि हिस्ट्री क्या कहती है, ठीक है, हिस्ट्री हिस्टोरिक पैटर्न्स, लोगों ने जो है वो उनके ऊपर क्या गुजरी, उन्होंने किस किस्म की सिचुएशंस जो है वो उन्होंने फेस उन्होंने की वो जिंदगी उन्होंने जो है वो उसके उनके फैसले जो है वो किस किस्म के थे, हिस्ट्री जो है वो आपको बताती है, हिस्टोरिकल पैटर्न्स आपको पता लगता है, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर मैं आगे चल के जो है ये भी बताऊंगा कि अगर आपने ये तरतीब उलट दी तो उसका क्या जो है नुकसान होगा, उसके वो बाद में आते हैं। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपने टेक्स्ट बुक भी पढ़ लिया, कोड ऑफ कंडक्ट भी आपने पढ़ लिया, आपने उसके बाद हिस्टोरिकल पैटर्न्स भी आपने पढ़ लिया, चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जिंदगी में आप जिस भी फील्ड में तरक्की करना चाहते हैं, जिस भी आप एस्पेक्ट में आप तरक्की करना चाहते हैं, उसकी सक्सेस स्टोरीज उसकी क्या है, ठीक है, लोगों ने आगे जो है वो एक्सेल कैसे किया, उसके लिए आप हमेशा ऑटोबायोग्राफीज लोग पढ़ते हैं, बायोग्राफीज आप पढ़ते हैं, आप जितने ये बड़े लोग देख लें कामयाब जो है वो लोग देख लें उनकी लाइब्रेरीज के अंदर आपको बेशुमार ऑटोबायोग्राफीज आपको मिलेंगी, आप बायोग्राफीज आपको मिलेंगी, क्यों कि जिंदगी में जब कभी हम लोग फंसते हैं, हमें कोई निकालने के लिए जब कोई मेंटोर नहीं मिलता, हमें कोई इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता, तो कोई ना कोई ऐसा बंदा जो है वो जरूर होता है जिसने सिमिलर किस्म की सिचुएशन से उसने जो है वो इंकाउंटर किया होता है, और उसने कैसे उस चीज से वो निकलता है वो जो है वो हमें उस जगह से आइडिया होता है। अच्छा अब आते हैं कि ये जो है वो अगर हम तरतीब जो है वो उलट देते हैं, अगर हम कहते हैं जनाब जी जिंदगी की टेक्स्ट बुक को पढ़े बगैर हम कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर हम चले जाते हैं, यार जिंदगी गुजारनी कैसे, ठीक है, क्या होता है कि आपने उसकी आइडियोलॉजी अपनी कम्युनिटी की, आपने अपनी लाइफ की आइडियोलॉजी समझे बगैर आपने उस पर अमल करना शुरू कर दिया, नतीजा क्या हुआ कि आप उस उन तमाम और अमाल के अंदर और अपने तमाम एक्शंस में इस हद तक आप एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं कि आपको उससे हटके अपने एक्शन से हटके जो भी कोई बंदा करता हुआ नजर आएगा आपको लगेगा कि यार ये जो है वो मेरा दुश्मन है, टॉलरेंस कम होगी, ये नुकसान होता है जब आपने अपनी आइडियोलॉजी को सही तरह से प्रॉपरली पढ़ा नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा अगर आप जो है वो कहते हैं जनाब जी मैं जिंदगी की जो किताब है वो पढ़ू मैं हिस्ट्री से, अगर आप हिस्ट्री से जो है वो आप पढ़ते हैं तो हिस्ट्री सबसे पहले पढ़ने का नुकसान क्या होता है, अगर आपने वही टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा, आपने जिंदगी का आपने जो है वो लाइफ के रूल्स नहीं आपने पढ़े, हिस्टोरिकल पैटर्न जब आप देखते हैं आप ये कहते हैं कि यार आज के दौर में जो हुकूमतें हमारे साथ ये कर रही हैं, ठीक है, ये तो माजी के अंदर भी यही होता था, ठीक है, और उससे पहले भी जो है वो यही होता था, हुक्मरान तब भी यही काम करते थे और अवाम तब भी इसी तरह से पिसती थी, ठीक है, और जो भी जो है वो जो भी स्ट्रेटजीज जो है वो जो वॉर की थी या सोसाइटी की थी वो तो सारी की सारी वही है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो माहौल जरा चेंज हुआ है, अपग्रेड हुआ, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं, आपका बहुत सारी चीजों के ऊपर आपका ईमान जो है वो आपका आपको समझ नहीं आती कि यार मेरा कैथारसिस क्या किस चीज से जो होगा, तवक्कल खत्म हो जाता, आप ये कहते हैं कि यार दुनिया में हर चीज तो एक हिस्टोरिकल पैटर्न से जो है वो हो रही है,
पर ठीक है, फिर ये इसी तरह से होता रहेगा, हमें क्या जरूरत है। आप मुआशरे में प्रॉपरली आप कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, ठीक है। अगर आप सक्सेस स्टोरी इसको प्रायोरिटी पे रख लेते हैं और पीछे वाली सारी चीजें जो है वो आप छोड़ देते हैं, तो वहां पर जो है वो आपके साथ जो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा कि वहां पर ऐसे लोग जो है वो जन्म लेते हैं, ऐसे जहन जो है वो जन्म लेते हैं जो किसी भी चीज पे इतवार नहीं करते। वो सिर्फ ये देखते हैं कि आज हमारे हाथ में जो कुछ है, जो कुछ मटेरियलिस्टिक अप्रोच हमारी है, बस वही है, इसके अलावा दुनिया में और कुछ नहीं। नतीजा जो है वो क्या होता है कि आप जिंदगी में जब कभी भी आप फंसते हैं, कहीं आपका कैथारसिस नहीं हो रहा होता और बंदा जो है वो मेंटल एंजाइटी के अंदर जो है चला जाता है, जिससे उसको निकलना बहुत ज्यादा जो है मुश्किल हो जाता है। तो ये चार चीजें हैं जो है वो किताब दोस्ती के लिए, जो कि एक बहुत ज्यादा एसेंशियल ट्रेट है जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। जी सदीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप आखिर में रैप अप कैसे करेंगे, व्हाट वुड यू से एज अ फाइनल वर्ड? बड़ा अच्छा लगा, बहुत आपने सही तरह वो जिसे कहते हैं ना जंग को हिला दिया, जंग लगा हुआ ना लाया है आवाज आपने। देखें सदीक साहब, इसके अंदर जो है वो चूंकि हमारा जो है मौजू आज यही था कि हमने जिंदगी में आगे बढ़ना कैसे है। लोग, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि बड़ी ईद के ऊपर अक्सर लोगों को जो है वो ये कह रहे होते हैं अपने दोस्तों को, यारों को, यार कोई बकरा मंडी में कोई वाकफकार है, ठीक है ना, कोई यार कोई जानने वाला है, यार ये काम करना है, यार ये काम करना, ठीक है। दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई SOP होता है। आप किसी सरकारी दफ्तर में भी चले जाएं तो अगर आप किसी SOP को, सिर्फ आपको ये चीज समझनी है कि पैटर्न क्या, काम का पैटर्न क्या, ठीक है। कई लोगों को जो है मैंने देखा है, क्योंकि मेरा खुद जो है वो गवर्नमेंट जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट से मेरा जो है वो ताल्लुक है, PTV में जो है मैं गवर्नमेंट जॉब करता रहा हूं। बहुत सारे लोग इतने ज्यादा जो एंजाइटी में शिकार हो जाते हैं कि वो जो है ना आउट ऑफ फेस जो है वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, हालांकि काम सीधा सा होता है, ठीक है ना। लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या होता है कि उनको काम की समझ नहीं होती, वो काम को समझना चाहते नहीं है, ठीक है। ये वही मिसाल है कि मैं जब यहां पर कुआलालंपुर आ रहा था, तो आने से पहले मुझे जो है वो, चूंकि मैं यहां पर सेटल होने के लिए आ रहा था, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे बनवाने थे और बहुत सारी जो है वो चीज है। एक हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने क्या किया कि उनके साथ भी सिमिलर सिचुएशन जो है वो उनकी हुई, और उन्होंने जो है वो क्या किया कि उन्होंने उनके तकरीबन कुछ 16-17-18 लाख उनके जो है वो उनकी जो कमाई गए वो लग गए एजेंट्स के चक्कर। हालांकि काम सिंपल यह था कि उन्होंने जाना था उन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स में जाके जो है वो उन्होंने काम करना था, अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करने थे और वो हो जाना था और काम था। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि हम चौंके सीखते नहीं टाइम पे, और वो जो है वो हमारा जो है वो काम अधूरा रह जाता और हम दूसरों पर डिपेंडेंट कर रहे होते, और यार अगला हमारे साथ हाथ कर गया, वो अगला आपके साथ हाथ बाद में कर गया, सबसे पहले आपने अपने साथ हाथ कर लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा वो जो है वो है पंच लाइन है। बेसिकली आपने सीखते रहना, जो आइंस्टाइन ने कहा था, द मोमेंट वी स्टॉप लर्निंग वी स्टार्ट डाइंग। बेसिकली किसी मोमेंट पे आपने अगर सीखना बंद कर दिया तो हम मरना शुरू कर देते हैं, ये हमें यकीन नहीं आता। यू नो, ये लाइफ का पर्पज आपको पता नहीं, लाइफ की डेफिनेशन क्या पता है नबील साहब, आप भी बता सकते हैं, लेकिन फॉर मी इज लर्निंग इज फॉर एवर, यू नो दैट्स व्हाट द लाइफ स्टैंड फॉर। आपको आपको ये हमेशा ही सीखते रहना है, क्योंकि हर नई से हर स्टेज ऑफ लाइफ यू नीड टू लर्न समथिंग न्यू। नो, तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने पाकिस्तान के ये बच्चों को, यूथ को सिखाएं कैसे, कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन सिखाएं कैसे, सीखना है मुझे। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया, लाइफ इज लर्निंग फॉर एवर, दैट्स लाइफ स्टैंड्स फॉर टू लीव, एंड व्हाट स्टैंड्स आई डोंट नो दैट। आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आपके लिए लाइफ का मतलब क्या है, डू यू एग्री विद दिस और नॉट, डजंट मैटर, यू हैव टू कमेंट करें और शेयर करें, ताकि जो पाकिस्तान में जो लर्निंग की जो थोड़ी सी वो जो है ना कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, उसको हमें कैपेसिटी को एनहांस करना, तो उसमें थोड़ी हेल्प आप इस तरह हेल्प कर सकते हैं इसको शेयर करके, शेयरिंग इज केयरिंग। जी अच्छा, इसमें ना सदीक साहब एक जो है वो हम लोगों ने इसके ऊपर भी एक किसी दौर में हम लोगों ने प्रोग्राम किया, और हम लोगों ने बहुत सारी सेलिब्रिटी से हम लोगों ने जो है पूछा कि जिंदगी का जो है वो उनके नजदीक डेफिनेशन जो है वो क्या है, ठीक है। एक साहब ने बहुत, और ये सारे वो लोग थे जो अपनी अपनी प्रोफेशन में बहुत ज्यादा जो है वो कामयाब लोग थे, उनमें से एक डेफिनेशन मुझे बड़ी याद रहेगी, और वो ये थी कि जनाब के जी बुल्ले शाह ने कहा था कि बुलेया ऐसा मरना नहीं गोर पिया कोई होर, ठीक है, कि जो बंदा जो है वो जो 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 जिस्म है जो कब्र में जो लेटा हुआ है वो मैं नहीं हूं, मैं वो हूं जो मैं अपने काम में जिंदा हूं, वो जो मेरी लेगेसी है, ठीक है, वो जो मैं सारी जिंदगी काम करता रहा हूं, वो कितना जो है वो मेरा उसका जो फैज है वो लोगों के तक आगे जो है वो चल रहा, ठीक है। इंसान की जिंदगी का कोई पता नहीं होता, आज जो है वो है कल नहीं है वो, ठीक है, लेकिन उसका जो किया हुआ काम है उसका,
ठीक है, आखिरत वगैरह उसको हम बाद में भी छेड़ेंगे, वो उसके ऊपर अभी बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो उसके हैं उससे फैज कितने लोगों को मिला। अगर आप टाइम की इजाजत दें मुझे, मैं सिर्फ एक छोटी सी जो है वो वाकया जो मैं शेयर करना चाहूंगा। आज टाइम की जात नहीं, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप कब बंद करते हैं, फिर आप तो किसी दिन अगले अगले वाले पे बात करेंगे। चलो इसके साथ ही हम आज का शो खत्म होता है। आपने क्या सीखा है आप नीचे कमेंट करके शेयर करें। नबील तिरमिजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके वाच करने का बड़ा शुक्रिया, एंड शेयर करने का उससे भी ज्यादा शुक्रिया। दिस इज मोहम्मद सिद्दीक साइनिंग ऑफ फ्रॉम अटलांटा जॉर्जिया। इंशाल्लाह फिर आपको नए गेस्ट के साथ नए टॉपिक के साथ बात होगी। अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का, एंड अल्लाह हाफिज़।